So quickly come and join, and then in next 1 to 2 minutes we will start. नादान परिंदा सही नाम है. अमेजिंग. लिशा मंगलिया गुड मॉर्निंग, जीनत गुड मॉर्निंग, रक्षा गुड मॉर्निंग. मिचामी दुगरम, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इस पर, बहुत सारे. सो जैन लोगों का पर्युषण स्टार्ट हुआ है आज से. अमेजिंग. चलिए करें शुरू. लेट्स गेट स्टार्टेड. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के आज के लेक्चर नंबर 22 में. आज संडे 8th ऑफ सितंबर 2024 है और मैं हूं इस समय गुड़गांव से लाइव. ऑफिस में था, कल दिन भर यहाँ पहुंच गया था. दिन भर काम चल रहा था, रात को लेट पहुंचा मैं यहाँ होटल में और बस अब वापस ऑफिस जाऊंगा. सो काम चल रहा है, काम इज गोइंग गुड. और परसों से, मतलब इनफैक्ट आई शुड से आज से मैराथन्स की तैयारी चालू हो रही है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट की और फाउंडेशन की एग्जाम चालू हो रही है 12th ऑफ सितंबर 2024 से इंटरमीडिएट और 13 सितंबर से फाउंडेशन. तो लगने वाली है पूरी तरफ वाट, है ना. नाउ लास्ट लेक्चर वॉज सुपर डुपर अमेजिंग, एकदम कहते ना ऐसा बाप लेक्चर था, नेक्स्ट लेवल लेक्चर था और डरना जरूरी है काइंड ऑफ लेक्चर था. क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे, मैंने बहुत डिटेलिंग लिखी है वहां पर. कंपेरेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 एंड 12 का, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पूरी तरह हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था. होमवर्क मैंने आपको कुछ दिया नहीं था, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि दोस्तों इससे पहले कि अब हम लोग ट्रांसफरर कंपनी के क्वेश्चन देखें, आप लोगों को बस ये इंश्योर करना है कि अभी तक जितना चैप्टर हुआ है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. दोस्तों आपको अगर याद है और अगर आप सेल्फ एनालिसिस पेज पे टर्न करके देखते हैं, तो हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हमारे स्कोप में है 4 चीजें. मैं रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहला था कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, के परचेज कंसिडरेशन कितना होता है और कैसे दिया जाता है. 2 नंबर की चीज थी अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो या फिर वो बैलेंस शीट हो, तो हमें अकाउंटिंग करनी थी इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मतलब जो बायर कंपनी होती है वो. वहां पर हमने 2 मेथड्स देखनी थी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज. दोनों हमने देखा है, दोनों मेथड्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं. उसके बाद में तीसरी चीज थी अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. आई रिपीट, अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ये देखिएगा पॉइंट नंबर सी है ना, जहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं ट्रांसफरर के बुक्स में. और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पे ये चारों चीजें आती हैं. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इस वाले पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं. ए और बी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सी में. लेकिन ये पॉइंट नंबर सी पढ़ने से पहले मैं 5 नंबर का पॉइंट एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है, इट गवर्न्स अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ओनली एंड डज नॉट डील विद अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब दोस्तों इसका लॉजिक समझते हैं. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन जो है, वो आपको जो प्रिंसिपल्स बता रहा है, जो रूल्स बता रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी दूसरी कंपनी को अब्सॉर्ब करती है, अक्वायर करती है. लेकिन जहां तक बात है वो कंपनी की जो अक्वायर हो चुकी है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफरर की, तो ट्रांसफरर कंपनी अब बंद होगी. और क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी बंद होगी, मतलब डिसॉल्व होगी, मतलब लिक्विडेट होगी, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो क्लोज करने पड़ेंगे. और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज किए जाते हैं, इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कुछ नहीं कहता. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AS 14 उस पर कुछ भी नहीं कहता है. तो फिर सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो हम लोग, आप लोगों को अगर याद होगा तो आपने 12th स्टैंडर्ड में, जो बच्चे कॉमर्स है स्पेशली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सीए फाउंडेशन में भी आप जब आते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने पढ़ा है नए सिलेबस के हिसाब से. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर
हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए बहुत अच्छे रनिंग नोट्स बनाए जो आप अभी नहीं लिखेंगे। ऑब्वियसली ये रनिंग नोट्स आपको लिखना है कब, जब आप क्लास खत्म हो जाएगी, होमवर्क के तौर पे आपको ये रनिंग नोट्स लिखना है। लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है। बिल्कुल सही कहा श्रद्धा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, आई रिपीट, ये स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। अभी नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है लेक्चर के बाद एज अ मैटर ऑफ होमवर्क। कोई पेज वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं, आज का क्लास वर्क चालू करेंगे, इसी को समझकर क्लास वर्क चालू करेंगे। बट ये रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप देख रहे हैं टोटल 12 स्टेप्स मैंने बनाए और ये 12 स्टेप्स में पूरा के पूरा ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। मतलब ये 12 स्टेप्स इतने आसान है ना दोस्त, ये समरी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। एग्जाम से पहले रिवीजन के समय सिर्फ ये 12 स्टेप्स आप रिवाइज कर लेंगे ना, आपका ये पूरा सेगमेंट रिवाइज हो जाएगा कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को कैसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 14, कम टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 2.31, पेज नंबर 2.31। रेडी ऑल ऑफ यू, तैयार है? बिल्कुल। रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट अलग चीज होती है और रियलाइजेशन अलग होती है। प्रतीक, श्रद्धा का आंसर सही है, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा। ये डिफरेंस ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बट होना नहीं है ना। चलिए यहां पर रेफरेंस देंगे सभी जने, लेक्चर नंबर 22 का, सही है ना टाइटल आज का? हाँ, वो मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी होती थी, बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 22 है आज का हमारा टाइटल। ओके, पेज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर का जहां पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपने रजिस्टर में। अपने रजिस्टर में आप आएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन 14:AA:2.31, क्वेश्चन 14:AA:2.31, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, चाहे ट्रांसफरर कंपनी हो या ट्रांसफरी कंपनियों, परचेज कंसिडरेशन की जरूरत तो पड़ती पड़ती है। परचेज कंसिडरेशन तो कैलकुलेट करना पड़ता ही है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, वाई लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। रिश्तों को अनबॉक्स करते हैं, वाई लिमिटेड एक्वायर्स, तो वाई लिमिटेड बन गया ट्रांसफरी, द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड बन गया ट्रांसफरर, whose balance sheet as on 31st March 21 is as under. तो Y Limited ने Z Limited को acquire किया है, whose balance sheet, मतलब Z Limited, मतलब transferer की balance sheet दी गई है, rupees and rupees है, 100,000,00,000, crore, घंटा, बंटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। Equity and liabilities दिया है, share capital दिया है, reserves and surplus दिया है, non-current liabilities दिया है, current liabilities में देख सकते हैं trade payables, other current liabilities में outstanding interest, सब लोगों को clear है, पक्का? बहुत बढ़िया। एसेट साइड में नोट नंबर 4 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, नोट नंबर 5 है इनटेंजिबल एसेट की, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। यार एक सवाल जो काफी कॉमन है, बच्चे काफी बार पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, मॉड्यूल के अंदर या इवन आईसीआर ने काफी जगह सिर्फ एक हेडिंग के लिए भी नोट बना रखा है, तो हमें बनाना चाहिए क्या? स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आता है जब हम चैप्टर नंबर 5 तक पहुंचेंगे, फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ कंपनी। द आंसर राइट नाउ एट दिस मोमेंट इज नो। वाई लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स अभी तक नहीं दिया है कि ये अमालगमेशन कौन से टाइप का है। इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं, क्यों? जब आप अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, तो ट्रांसफरर कंपनी में अकाउंटिंग एंट्रीज की कोई मेथड्स है ही नहीं, कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, के परचेज मेथड, वो कहां और किसके लिए रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है दोस्तों? इट इज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफररी कंपनी, नॉट द ट्रांसफरर कंपनी। वाई लिमिटेड वॉन्ट्स टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स। बट स्टिल अगर पता करना होता था तो ये कौन सा टाइप का अमालगमेशन बनता था? आई थिंक ये सबको क्लियर है, ये बन जाता था अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, और ये मेथड का नाम होता था परचेस मेथड।
क्योंकि यहां पर आप सेलेक्टिव हो रहे हैं टू चेक योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और वो पांच कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन क्या है, दैट द ट्रांसफरिंग कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. आर यू टेकिंग ओवर ऑल द एसेट्स? नो. आर यू टेकिंग ओवर ऑल द लायबिलिटीज? नो. देयरफॉर इट इज अ ब्रीच ऑफ द वेरी फर्स्ट कंडीशन एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ परचेज मेथड. बट एज आई सेड, और आप चाहें तो कहीं तो लिख भी सकते हैं अपनी बुक में या कहीं पर भी आकर एक नोट लिख लीजिएगा, मेथड ऑफ एग्जैक्ट लिख लीजिए, टाइप एंड मेथड ऑफ अमालगमेशन इज इरिलेवेंट व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग इन द books of transferer company. छोटा सा पॉइंट है, बस कहीं तो लिख के रखना है कि जब भी आप ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को क्लोज करते हैं तो अमालगमेशन किस टाइप का है. टाइप एंड मेथड ऑफ अमालगमेशन इज इरेलेवेंट, मतलब ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन अब देखो होता क्या है, क्योंकि हम लोग इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमें सिग्नल दे देता है कि हाँ बेटा, ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है और आपको परचेज मेथड फॉलो करना है. लेकिन अभी यहाँ पर ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. वाई लिमिटेड टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश लायबिलिटी एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है. एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स. नाउ वाई लिमिटेड विल पे द फॉलोइंग अमाउंट्स. ₹2,07% debentures in Y Limited for existing debentures for the purpose each debenture is to be treated worth ₹105. तो यहाँ पर settlement हो रहा है debenture holders का. For each preference share in Z Limited, ₹10 in cash and 1.9% preference share of 100 each in Y Limited and for each equity share, okay? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कहूंगा, कह सकता हूँ कि first number का point purchase consideration के calculation में consider नहीं होगा? बिकॉज एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं. एज पर पैरा 3 छोटा जी, परचेज कंसिडरेशन मींस एंड इंक्लूड्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, कैश पेड एंड द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलॉर्ड, शेयर होल्डर्स. एनी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अर्थात पॉइंट नंबर ए परचेज कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे पॉइंट नंबर बी को, पॉइंट नंबर सी को, मतलब पॉइंट नंबर टू को और पॉइंट नंबर थ्री को, करेक्ट. पॉइंट नंबर फोर कहता है एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 12,500. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में बात की जिसका परचेज कंसिडरेशन से कुछ लेना देना नहीं है. मतलब सीधी बात, नो बकवास, परचेज कंसिडरेशन के अंदर सिर्फ पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री कंसिडर होगा, वन नंबर बी कंसिडर नहीं होगा. तो फटाक से एक काम करिए, 3 से 4 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, कोशिश कीजिए आप परचेज कंसिडरेशन निकालने की. देखो चैप्टर तो अब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, राइट. तो अब जब चैप्टर खत्म होने वाला है तो अब तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना आना ही चाहिए. अच्छे से कोशिश करिए, नहीं तो फिर तो मैं वापस पूरा सॉल्व करूंगा, डोंट वरी. बट पहले आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करें परचेज कंसिडरेशन निकालने की. कम ऑन ऑल ऑफ यू, गो फॉर इट. सिर्फ आपको डेटा लगेगा इसलिए बता देता हूं कि ट्रांसफरर कंपनी के पास टोटल 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं. ये सिर्फ डेटा आपको लगेगा, इसीलिए मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं. यू हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, 5 मिनट का समय लीजिए, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा परचेज कंसिडरेशन. बट आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बहुत गर्मी है यार गुड़गांव में,
क्लाइमेट इज ऑब्वियसली दिन भर तो ऑफिस में ही है, बट थोड़ा बहुत ऐसे चाय पीने, एनएसपी करने थोड़ा बाहर जाते हैं तो वो डिफरेंस समझ में आता है. वी कैन मेक आउट दैट डिफरेंस मैन, बहुत गर्मी है. One and half minute over, three and half minutes left. Calculation of purchase consideration. सीधी सी चीज, सिंपल सी चीज करनी है. चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो, ट्रांसफरर के बुक्स का हो, ट्रांसफरी के बुक्स का हो, परचेज कंसिडरेशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बेटा. Calculation of purchase consideration. 2 minutes over, 3 minutes left. Sunday का दिन है तो क्या हुआ? And guys, like after 4 days we are going to complete a month of our batch. Huh? Archie Madhwani का आंसर आया सबसे पहले 17,20,000. बहुत बढ़िया. मैं सही या गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ बहुत बढ़िया कहा है ना, कोई से कंक्लूजन ना निकाले. ओके, नल का आंसर भी आया 17,20,000. जीनल अग्रवाल का 17,20,000. 3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट अभी भी बचे हैं. 2 more minutes left. जिसका नहीं आया अच्छे से अटेम्प्ट करो बेटा, गिव योरसेल्फ अ चांस. नहीं आया तो मैं हूं ना. रौनक का आंसर आ गया, प्रतीक मिश्रा का आंसर है, बहुत बढ़िया. इवन जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है. मुझे पता आप लोग 2x पे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं वो 2x का ही यूज करते हैं. कभी बताना मुझे 2x पे आवाज आती कैसे है. सर मेरा नेम नल दिख रहा है क्या? हाँ जी, आपका नेम नल दिख रहा है. चलिए लास्ट 1 मिनट लेफ्ट. बीना चौहान का आंसर सही है, श्रद्धा कुलकर्णी का सही है, प्रिया जी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया. अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, वेल डन गाइस. करिश्मा वर्मा का आंसर सही है, श्रेया सिंह का आंसर सही है, विनय का आंसर सही है, वेरी गुड. तो मैं देख रहा हूं कि मोटा मोटी 4 मिनट के बाद तो ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आने लगे, और 5 मिनट कम समय नहीं दिया, 5 मिनट ज्यादा समय भी नहीं दिया, एडिक्वेट टाइम है. डीपिंग की का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया. लास्ट 30 सेकंड्स लेफ्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. चलो शैल आई एक्सप्लेन. परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करेंगे. यहां पर क्वेश्चन कहता है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड. Z Limited के preference shares है कितने? Total 4000 preference shares है, ठीक है? So for each preference share in Z Limited, rupees 10 in cash. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं calculation, purchase consideration payable to preference shareholder of Z Limited. तो Z Limited के preference shareholder को आप क्या pay कर रहे हैं? सबसे पहले आप pay कर रहे हैं उनको cash, कुछ amount cash में pay हो रहा है ना. तो मैं यहां कर लिखता हूं कैश. कंसिडरेशन कितना कैश पे करें? फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर रुपीज 10 इन कैश. तो हमारे पास 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं दोस्तों, है ना. तो 4000 प्रेफरेंस शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 रुपीज से. 4000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू रुपीज 10. तो अब टोटल कैश कंसिडरेशन आप कितना पे कर रहे हैं? 4 लाख रुपीज टोटल कैश कंसिडरेशन. और क्या कहता है? एंड 1.9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड. ओके, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 इन वाई लिमिटेड, ठीक है.
वन इज टू वन रेशियो मैं कह सकता हूँ, एक के बदले एक शेयर मिलेंगे, तो यहां पर आपको 4000 प्रेफरेंस शेयर के बदले 4000 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे और एक की वैल्यू है 100 रुपीज। मतलब यहां पर ये अमाउंट होता है कितना, ये तो 40,000 था, ये 40,000 और ये 4,00,000 रुपए। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इज इट कैन आई से 4,40,000, चेक ऑल ऑफ यू, ये क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस परचेज कंसिडरेशन पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड। पॉइंट नंबर टू यहां पर खत्म होता है। पॉइंट नंबर थ्री, किसी को भी अगर एक भी स्टूडेंट है ना जिसको समझ में नहीं आया तो बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना। फॉर एवरी ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड ₹20 इन कैश। ओके अगेन, सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या पे करेंगे, कैश कंसिडरेशन। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं इनटू ₹20। फॉर एवरी इक्विटी शेयर यू आर गोइंग टू गिव ₹20 इन कैश, तो 80,000 एंड दिस बिकम्स 1,60,000। चेक कीजिएगा, कैश कंसिडरेशन क्लियर है, 1,60,000। उसके बाद और क्या दे रहे हैं आप, वन इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ऑफ ₹100 हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 140। शेयर फेस वैल्यू ₹100 का, लेकिन इशू प्राइस उसकी ₹140, 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ऑफ ₹100 बट एट ₹140। ये भी क्लियर है। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स के बदले 8,000 इक्विटी शेयर्स आपको मिलेंगे और उसकी इशू प्राइस होगी ₹140। तो दोस्तों यहां पर आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया 8,000 इंटू 140, ये होता है 11,20,000 रुपए। प्लस 1,60,000, ये टोटल होगी 12,80,000। और अब ये 12,80,000 किसका परचेज कंसिडरेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 4,40,000 रुपए। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन होता है 17,20,000। चेक ऑल ऑफ यू, कम ऑन, चेक ऑल ऑफ यू, 17,20,000। हर एक स्टूडेंट को क्लियर है क्या, पक्का पूरा? चेक कीजिएगा, क्लियर हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपसे कहा है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। नाउ अंडरस्टैंड, एग्जामिनेशन में कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लिखा होगा क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। आइदर दे विल से प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑफ द वेंडर कंपनी और दे विल से पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। ऐसे कभी एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे एग्जाम में कि क्लोज द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। लेकिन क्योंकि ये हमारा गेटवे क्वेश्चन है, गेटवे क्वेश्चन मतलब कोई भी नया कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको गेटवे क्वेश्चन बनाते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में जर्नल भी करवाऊंगा और मैं आपको इस क्वेश्चन में लेजर अकाउंट भी बनवाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, लेंदी बनेगा, पर बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट पूरा दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए, बस इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? तो अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप अपने बुक्स में आएंगे, पहले सिर्फ सुनना, कॉपी नहीं करना है और कॉपी वाली बात है भी नहीं। आप अपनी बुक्स में आकर ये लेजर अकाउंट्स बनाएंगे इतने इतने पेजेस के लिए। मतलब क्या, चेक करो, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी लेजर अकाउंट्स। फिर आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, हाफ पेज ब्लैंक छोड़ना है। लेजर अकाउंट के कॉलम सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे हाफ पेज के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 से 5 लाइंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 से 5 लाइंस, फिर वाई लिमिटेड अकाउंट 4 से 5 लाइंस, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट 4 से 5 लाइंस, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट 4 to 5 लाइंस, एंड देन लास्ट कैश अकाउंट फॉर 4 to 5 लाइंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेजर अकाउंट्स आपको बनाने, क्विकली बना लीजिए फॉर्मेट्स। और उसके बाद में जब सारे लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे ना,
उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे, जर्नल भी बनाएंगे, लेजर भी बनाएंगे। फटाफट फॉर्मेट्स बना लीजिए। इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी लेजर अकाउंट्स, इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी लेजर अकाउंट्स। In the books of Z Limited Transferor Company Ledger Accounts, तो आप बनाएंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हाफ पेज का, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 4 to 5 lines, प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 4 to 5 lines, Y Limited अकाउंट दैट इज द ट्रांसफरी कंपनी लेजर अकाउंट फॉर 4 to 5 lines, इक्विटी शेयर्स ऑफ Y Limited अकाउंट 4 to 5 lines, 9% preference shares of Y Limited account 4 to 5 lines, and then cash account of 4 to 5 lines. Come on, all of you, prepare these formats. Done, all of you? Simple है, particulars amount, that's all. Very good. जो भी मैं बताऊंगा ना बहुत अच्छे से absorb करना है, बहुत अच्छे से समझना है। दो questions हम लोग आज करेंगे transfer company के books के, और पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। Very good. Done, all of you? एक मिनट, चलो बना लो, नो प्रॉब्लम। डन, चलो अब देखो मैं ये क्वेश्चन को बुकमार्क इसलिए नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर ही बुकमार्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ट्रैकर में एनी विच वेज आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, जो ट्रैकर में मैं रेड कलर से ब्लू कलर से लिख रहा हूं वो क्या है, वो बुकमार्क ही तो है ना। तो अच्छे से समझना है दोस्तों, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी है, जो कंपनी अब बंद हो रही है, ठीक है। तो अब हमें कंपनी को बंद करना है, इसका मतलब क्या है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी अब हमें बंद करना है, वी हैव टू क्लोज इवन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से डील करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपके लिए बनाए हैं सिंपल 12 steps। ये 12 steps को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ डू वी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ते चलना है। स्टेप नंबर वन, सिर्फ पढ़ते चलिएगा मेरे साथ। स्टेप नंबर वन हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। अब अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में दो साइड्स हैं, और दो साइड्स में एक्चुअली तीन चीजें होती है। मतलब अगर आप बैलेंस शीट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये तो है पूरी एसेट साइड, फिर इधर है लाइबिलिटी साइड, और ये है सी, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल साइड। तो कैपिटल जब मैं कहता हूं तो कैपिटल इंक्लूड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है।
तो प्राइमरीली बैलेंस शीट की तीन साइड्स होती है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, इसका मतलब है मुझे मेरे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन क्या है समझना, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी लेजर अकाउंट्स दिख रहे हैं वो सारे लेजर अकाउंट्स का कैसा बैलेंस होता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट आंसर इन द लाइव चैट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी एसेट्स दिखाई देती है दोस्तों, एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है। द लेजर अकाउंट ऑफ एसेट, डज इट हैज डेबिट बैलेंस और इट हैज क्रेडिट बैलेंस, गिव मी आंसर। डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्यूटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो सारे लेजर अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब डेबिट बैलेंस के लेजर अकाउंट को अगर मुझे क्लोज करना है, अगर डेबिट बैलेंस के लेजर अकाउंट को मुझे क्लोज करना है, तो मुझे एसेट अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। बराबर है, चेक करो, एसेट अकाउंट को किया मैंने क्रेडिट, तो फिर मैं डेबिट कैसे करूंगा। तो मैं यहां पर ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाता हूं। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है बेटा जी? रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके उसके बैलेंसेस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले आप अपने जर्नल में आएंगे, जहां आपने लिखा ना इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, सबसे पहले अपने जर्नल में आएंगे और पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब एक एक कर सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे, जितनी भी एसेट्स है उसको क्लोज कर देंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आप आते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए नोट नंबर 4 है, इनटेंजिबल एसेट के लिए नोट नंबर 5। तो लेट्स गो टू नोट नंबर 4 एंड 5, क्योंकि हमारे पास लेजर अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से नहीं होता है, हमारे पास लेजर अकाउंट होता है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। तो ये समझना है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना बैलेंस है, 4 लाख। जितना दिख रहा है, जितनी बुक वैल्यू है उतना ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दोस्त मुझे मेरे लेजर अकाउंट को क्लोज करना है। समझ में आ रहा है? तो जो बुक वैल्यू है उसी पे ट्रांसफर होगा। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6 लाख, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट तो अब यहां पर खत्म ही हो गया, लेजर अकाउंट से क्लोज हो गया। वैसे ही दिख रहा है गुडविल और पेटेंट्स, टू गुडविल एंड टू पेटेंट्स, 240 एंड 50। तो अब मैं वापस बैलेंस शीट में आता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, इन सभी लेजर अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया। लेजर अकाउंट्स एसेट अकाउंट क्लोज कैसा होता है, जब उसको हम क्रेडिट करते हैं। फिर हम इन्वेंट्रीज को क्रेडिट करेंगे 1,50,000। टू इन्वेंट्रीज 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 1,80,000। लेकिन हम कैश अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सर कैश अकाउंट को ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट में? नाउ दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, मैंने अपने पॉइंट्स के अंदर उसके ऊपर लिख कर रखा है, पढ़िएगा। इफ ट्रांसफरिंग कंपनी इज नॉट टेकिंग ओवर कैश और बैंक बैलेंस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, देन वी विल नॉट ट्रांसफर कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, अगर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के कैश और बैंक बैलेंस को लेकर जा रहा है तब तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, लेकिन अगर वो नहीं लेकर जा रहा है इसका मतलब क्या है, मेरी कैश को मुझे ही सल्टाना है, मेरा पैसा मेरे पास ही रहेगा, मेरी कैश ट्रांसफरर कंपनी की कैश उसके पास ही रहेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर क्लियरली लिखा है वाई लिमिटेड टेक ओवर ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश। तो क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी कैश लेकर नहीं जा रहा है तो हम कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कैश को कैश अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी की टोटल ले लेते हैं। तो 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2,40,000, 12 लाख 40,000 प्लस 50, 12 लाख 90,000, 12 लाख 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000, ये हो गया बेटा जी यहां पर 16,20,000 रुपए, 16,20,000। नरेशन छोटा लिखे, जरूर लिखें,
बींग एसेट्स ट्रांसफर्ड, बींग एसेट्स ट्रांसफर्ड, छोटा लिखें जरूर लिखें। अब हम एक काम करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप चलेंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक की लिस्ट बनानी जरूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 16,20,000। मैं टीचर हूं इसीलिए मैं टी फॉर्मेट अकाउंट बनाऊंगा, आप बच्चा लोग हैं आप पूरा अकाउंट बनाएंगे। डोंट बी जेलस ऑफ मी, ओके, डोंट बी जेलस ऑफ मी। चेक ऑल ऑफ यू रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप आएंगे और रियलाइजेशन के डेबिट में आकर आप लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। नहीं क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, हम ऐसा काहे नहीं करें, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। डन, स्टेप नंबर वन क्लियर हुआ। अब आपने कैश और बैंक अकाउंट बनाया है, वहां पर डेबिट में जाकर इसका बैलेंस लिख लेंगे ताकि एसेट साइड पूरी खत्म हो जाए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ये चीटिंग है चिंगम, चिंगम, व्हाट इज चिंगम? कैश और बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। तो दिस इज स्टेप नंबर वन, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, मेरे प्रिविलेजेस पे मत जाइए, बस इसको देखिए ये क्लियर हुआ क्या। तो अब क्या हुआ, मेरे एसेट अकाउंट्स हो गए सारे क्लोज, सारे के सारे एसेट अकाउंट क्लोज हो गए और उन सबका जो बैलेंस था वो निकलकर कौन से लेजर अकाउंट में पहुंच गया, दैट रीच टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जो भी बैलेंस है वो कौन से लेजर अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? पक्का, वेरी गुड, टैलेंट है बेटा, टैलेंट केशव। अब जैसे आपने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया वैसे ही आप लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करेंगे। लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड द लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वैसे ही लाइबिलिटी अकाउंट का कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस के लेजर अकाउंट को अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब दुई नंबर की जर्नल एंट्री पास करते हैं मुन्ना, सारी लाइबिलिटीज को करते हैं डेबिट। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं आता है, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है नोट नंबर थ्री, नोट नंबर थ्री में 6% डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के। तो सबसे पहले हमें डेबिट करना होगा, सिक्स परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। फिर है हमारे पास ट्रेड पेबल्स 1,20,000, और फिर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000। पर सर वो लेकर नहीं जा रहा है ना, रुक जा बेटा एक मिनट बता रहा हूं मैं। और क्रेडिट किसे करेंगे, हमने एक टेम्परेरी लेजर अकाउंट बनाया टू क्लोज अवर अकाउंटिंग एंटायरली। सो 3,20,000 और 12,000, 3,32,000। Being liabilities transferred. Sir, but question में कहा है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो आपके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को नहीं लेकर जा रही है, फिर आपने क्यों ट्रांसफर किया? मैं बताता हूं, ट्रांसफरर कंपनी मेरी है, मुझे मेरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। चाहे कोई दूसरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मेरी कोई एसेट्स लाइबिलिटीज ले जाए या ना ले जाए, मुझे उसको निपटाना पड़ेगा।
और निपटाना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको रियलाइज करना पड़ेगा और इसीलिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? फिर एक बात बताइए, फिर आपने कैश को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज, अच्छा सवाल पूछा कि सर कैश भी यहां नहीं लेकर जा रहा, फिर कैश को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? बिकॉज मुन्ना कैश डजंट रिक्वायर्स एनी रियलाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैश डजंट नीड एनी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है, क्योंकि रियल बेटा श्रेया मेरे को प्लीज पढ़ाने दो ना बेटा, मेरे को कंप्लीट करने दो ना। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप एसेट्स को बेचेंगे और उससे पैसा रियलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? कैश को बेचकर कैश रियलाइज करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, कैश को कभी बेचकर कैश को रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? इसीलिए इवन दो ट्रांसफरी कंपनी कैश नहीं लेकर जा रहा है, फिर भी वो कैश हमने हमारे पास रख ली, क्योंकि वो हमारी एक एसेट है, हमारे पास पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक मैं ये धंधा बंद नहीं कर देता। लेकिन लाइबिलिटी चाहे वो लेकर जाए या ना लेकर जाए, मुझे तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा दोस्त, लाइबिलिटी को मुझे तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। भाई साहब सीधी बात है, अगर सामने वाली पार्टी लेकर गई लाइबिलिटी तो अच्छी बात है, नहीं लेकर गई तो मुझे मेरी लाइबिलिटी को खुद को निपटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां पर? कोई परेशानी? अब देखो, मैंने आपके सामने ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बैलेंस शीट बनाई थी। मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑल द एसेट। श्रेया फोकस करो बेटा प्लीज यहाँ पर। दूसरा नंबर स्टेप, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज। एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, चेक। लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज हो गया, चेक। अब मैं आता हूँ ये वाले पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस टुगेदर दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स। अब दोस्त एक बात बताना, हमने ये चीज कैश फ्लो में भी देखी है कि रिजर्व्स और सरप्लस किसको बिलोंग करते हैं? दे ऑलवेज बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। इसीलिए शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर फंड में होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू हु? दे बिलोंग टू द शेयर होल्डर। ये भी क्लियर हो गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ये लाइबिलिटी नहीं है, एक तरीके की लाइबिलिटी है बट एक्चुअली लाइबिलिटी नहीं है, ये किसी और का पैसा है। किसका पैसा है? शेयर होल्डर का पैसा है। तो हम शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपके शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो कहीं पे खुद के लिए लिख के रख लीजिएगा, ताकि बाद में आप कोई प्रकार से कंफ्यूज ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर देखो, पहले आपने कहा था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। चलो सर वहां तक तो समझ में आ गया कि शेयर होल्डर के होते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर सर हमारे पास में है दो टाइप के शेयर होल्डर, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर अब रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके होते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द परमानेंट शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ऑलरेडी काफी प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो उनके रिजर्व्स नहीं होते हैं। तो जब भी हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS20 अर्निंग्स पर शेयर, तभी भी मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा कि दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है ना, वो शेयर होल्डर्स वेल्थ में, नेटवर्थ में कंसिडर किए जाते हैं। जो हमने तीन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखे थे, अगर आपको याद हो एकदम शुरुआत में लेक्चर 1, 2, 3, वहां पर भी मैंने आपको यही बताया था, उसे ओनर्स इक्विटी कहा जाता है, नेटवर्थ कहा जाता है, नेट एसेट्स कहा जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल है उसको करेंगे क्लोज और उसका पैसा ट्रांसफर करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब तीसरी जर्नल एंट्री आप यहां पर पास करेंगे। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल पुराना वाला कैंसिल करेंगे, 6% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लैक्स। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसके लिए एक दूसरा अकाउंट बना लेंगे, एक पर्सनल अकाउंट बन जाएगा जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बिंग कैपिटल ट्रांसफर,
6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। समझ में आया? लेजर अकाउंट में आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपने बनाया है? हाँ जी बनाया है। यहाँ क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अब जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया है, वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगली एंट्री पास करते हैं, फोर्थ नंबर की एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज। अब टोटल शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए हो गया, तो बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल तो गुल हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं, नोट नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व 1 लाख। यहां पर भी एक स्पीड ब्रेकर आएगा, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। रिजर्व्स का भी बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस के लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एक अलग रिजर्व बना हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जिसमें बैलेंस है 8,000 का, लेकिन नीचे का है एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज 5,000। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी पहले जर्नल एंट्री कंप्लीट कीजिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पर आप डेबिट करेंगे 3,000 रुपए। कितना? 3,000 रुपए। क्यों, क्या, कैसे, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये सब कुछ आप कहां ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। बिकॉज ये सारे के सारे रिजर्व किसको बिलोंग करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। थियोरेटिकली टोटल ले सकते हैं 9,53,000 being amount transferred। तो अब आप जब कहते हैं ना कि इक्विटी शेयर होल्डर का वर्थ कितना है, शेयर होल्डर्स वर्थ कितना है, तो वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 9,53,000। अब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएंगे और वहां क्रेडिट में जाकर ये सारी फिगर्स लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, फिर कैपिटल रिजर्व 1 लाख, पीएनएल 50,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 3,000। चेक ऑल ऑफ यू। ये क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब सर ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्या है, क्या इसकी कहानी क्या? बहुत बढ़िया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये क्या है? तो दोस्तों कुछ लेबर लॉज होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब कुछ लेबर लॉज होते हैं, मतलब लॉज रिलेटिंग टू लेबर आर नोन एज लेबर लॉज। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पहले था अब नहीं है। ये जो लेबर लॉज है ये क्या कहता है कि जो भी ऐसी कंपनी है जहां पर डेथ या डिसेबिलिटी का रिस्क होता है वर्कर्स को, लेबर्स को, उन कंपनी को हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में निकाल के एक अलग रिजर्व बनाना होता है, जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ताकि अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉय की जॉब करते समय, काम करते समय डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कंपनी उसको जो कॉम्पेंसेशन देगा वो कॉम्पेंसेशन यहां से देगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से देगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हो सकता है बाद में कोई कंपनी का, भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कहां से पैसा दूं, आई कैन नॉट पे मनी, तो वो सिचुएशन ना आए और उस सिचुएशन में उस एम्प्लॉय के फैमिली को या एम्प्लॉय को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ये एक रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो आपने रिजर्व बनाया 8,000 रुपए का, आपके पास आज 8,000 रुपए है। अब क्योंकि आप कंपनी बंद कर रहे हो, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आपकी कोई लाइबिलिटी है क्या,
क्या किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई है या डिसेबिलिटी हुई है, कुछ हुआ है क्या, तो आपको यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको हाँ एक प्रोविजन बनाने का पड़ेगा 5,000 रुपए का। तो देर इज एन एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी, एक्सपेक्टेड का मतलब है एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है बट लाइबिलिटी हो सकती है 5,000 की, तो 5,000 का आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जो आपका टोटल रिजर्व बना है 8,000 का, वो एक्चुअली 8 नहीं है, ये 8,000 में से 5,000 की आपकी एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है और बाकी का जो 3,000 है वो आपका सरप्लस रिजर्व है। समझ में आ रहा है, जितना एक्स्ट्रा रिजर्व आपका बचा है वो है 3,000। अब ये जो 3,000 का सरप्लस रिजर्व आपका बचा है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, जो कि एग्जैक्टली अभी हमने किया है, वही चीज हमें करनी है। लेकिन जो ये 5,000 की एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है सर, इसका क्या करेंगे? अब दोस्त मेरे को एक बात बता, हमारे पास कौन सा नॉमिनल अकाउंट है अभी जिसमें हम सारे खर्चे और इनकम की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं? इफ यू लुक एट योर ऑल द लेजर अकाउंट्स, विच इज दैट वन नॉमिनल अकाउंट अवेलेबल विद यू वेर यू आर अकाउंटिंग ऑल योर एक्सपेंसिस एंड इनकम, देन द आंसर कम्स इज रियलाइजेशन अकाउंट। गाइज, इट इज द रियलाइजेशन अकाउंट वेर यू आर अकाउंटिंग ऑल योर एक्सपेंसिस एंड ऑल योर इनकम्स। तो ये 5,000 का जो मेरा खर्चा है, इसको भी मुझे कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, कम ऑन, राइट डाउन फिफ्थ नंबर जर्नल एंट्री, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 बींग प्रोविजन ट्रांसफर। तो आपको समझ में आया, 5,000 का फ्यूचर में खर्चा हो सकता है, तो मैंने अपने रिजर्व्स में से अभी ही 5,000 रुपए रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, मतलब राइट नाउ इट इज अपियरिंग एज एन इनकम इन रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एज एन इनकम क्यों ट्रांसफर कर दिया मैंने, क्योंकि मैं अगर अभी शेयर होल्डर को ये पैसा दे दूंगा तो क्या पता बाद में शेयर होल्डर मुझे पैसा दे या ना दे, वी रियली डोंट नो, है ना। बिंग प्रोविजन ट्रांसफर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कम टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, चेक ऑल ऑफ यू, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, चेक ऑल ऑफ यू 5,000। अब आप देखोगे तो मेरी पूरी बैलेंस शीट यहां पर स्प्लिट हो चुकी है रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ, कोई भी फिगर बैलेंस शीट में बची नहीं। क्या शेयर कैपिटल बचा है अकाउंट? नहीं बचा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट बचा है? नहीं बचा है सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स खत्म, ट्रेड पेबल्स खत्म, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट खत्म, लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म, इंटेंजिबल एसेट खत्म, इन्वेंट्री खत्म, ट्रेड रिसीवेबल खत्म, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स खत्म, सब कुछ खत्म, सारे लेजर अकाउंट्स यहां पर क्लोज हो गए हैं। अब देखना मेरे पास जो भी अकाउंटिंग करने के लिए लेजर अकाउंट्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और चौथा कैश और बैंक अकाउंट। यहां तक सबको क्लियर है क्या? चेक करिएगा। अच्छा, मैंने लाइबिलिटी का इफेक्ट रियलाइजेशन में नहीं लिया, आई एम सो सॉरी। कितना है? 9,50,000, नहीं, लाइबिलिटी का है 3,32,000। थैंक यू सो मच भाई। करेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश और बैंक, चेक करिएगा। क्लियर हो गया आपको? अब एक बार वापस स्टेप्स पढ़वा देता हूं मैं आपको, ताकि रिवीजन होती रहेगी। स्टेप नंबर वन क्या सीखा मैंने? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, चेक्ड। नंबर टू, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, चेक। नंबर थ्री, ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, चेक। ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, चेक। चार स्टेप्स हो गए क्या? 12 स्टेप का क्वेश्चन है, चार स्टेप मतलब 1/3 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। चेक कीजिएगा सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल पूछिए, रिजर्व में क्या डाउट है बेटा, पूछिए। पूछो बेटा, रिजर्व में क्या डाउट है? आप चाहो तो हैंड रेस कर सकते हो, आई कैन टेक यू ऑन ऑडियो कॉल।
सर पार्टनरशिप में हम रियलाइजेशन अकाउंट में IFR और RDD जैसे रिजर्व्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। IFR का तो मतलब मेरे को पता नहीं, पर RDD जो है ना वो रिजर्व नहीं होता है, उसके नाम में रिजर्व है पर वो रिजर्व नहीं होता है, समझ में आ रहा है? बिकॉज वो एक तरीके से एंटीसिपेटेड एक्सपेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के केस में। रिजर्व का मतलब समझना, डोंट कंपेयर इट वन ऑन वन विथ पार्टनरशिप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, मैं समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझाता हूँ। पहली बात, रिजर्व बनता कहाँ से है? मैंने ये सारी चीजें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बताई, बट वापस बताता हूँ, रिजर्व बनता कहाँ से और कैसे बनता है। तो मैं अपने धंधे में, अपने बिजनेस में जो पैसा कमाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसा, नेट प्रॉफिट कमाता हूँ, एक तो हो गया करंट ईयर में मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब करंट ईयर में मैंने वो प्रॉफिट को उड़ाया नहीं है, खर्चा नहीं किया, मैंने उस प्रॉफिट को बचा के रखा है। क्या करके रखा है? बचा के रखा है। वो प्रॉफिट को मैं फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूं, उसको कहते हैं रिजर्व। वो क्या बन जाता है? रिजर्व। अब अगले साल सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व में कुछ पैसा दिख रहा है। अब समझना, ये जो प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये रिजर्व कहां से बना है? रिजर्व बनता है आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ PNL, एंड द PNL फिगर बिलोंग्स टू होम, शेयर होल्डर, देयर फॉर द रिजर्व बिलोंग टू शेयर होल्डर। आप जो पूछ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या RDD, वो रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है, इट इज नॉट अ रिजर्व। इवन दो उसके नाम में रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो नाम में रिजर्व है मतलब वो रिजर्व नहीं है। तो आप अधिक जानकारी के लिए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर देखें, आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। मतलब मैं देखो कह रहा हूँ, घर में छोटे मुन्ना को भी बाबू बोलते हैं, और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भी काफी बार बाबू बोलता है, तो बाबू बाबू का मतलब सेम नहीं होता है, ये बाबू का मतलब अलग है और वो बाबू का मतलब अलग है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है? तो RDD इज अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, नाम में भले ही रिजर्व है बट इट इज अ प्रोविजन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑल्सो अ प्रोविजन, इट इज नॉट अ रिजर्व। आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रिजर्व है, लेकिन उसमें से जो 5,000 की एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है उसको हमने रिजर्व ट्रीट नहीं किया है, वो रियलाइजेशन में लेकर गया है। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, फोकस करिएगा। 5 और 6 दोनों स्टेप इंटरलिंक्ड है, नो प्रॉब्लम श्रेया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। अब देखो, अब हम हमारा धंधा बंद कर रहे हैं, हमें ट्रांसफर कंपनी, हम हमारा धंधा बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्लोज करना है, जो हमने एंट्रीज पास करनी थी वो हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस की मैक्सिमम एसेट्स और लाइबिलिटीज एक दूसरी कंपनी लेके जा रही है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, वो है ट्रांसफरी कंपनी। दे आर टेकिंग ओवर माई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जिसके बदले में वो मुझे कुछ पैसा पे करेगी, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, जिसका अमाउंट हम लोग निकाल चुके हैं 17,20,000। अब ये परचेज कंसिडरेशन पहले ड्यू होगा और फिर ये परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। इन दोनों की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सोच के समझ के जर्नल एंट्री कीजिएगा। नंबर 6, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन डी होगा। डी होगा, क्या एंट्री पास करेंगे आप? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 17,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,20,000। नरेशन आएगा, डिंग परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। सर परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बेटा एक सिंपल सरल भाषा में बोलूं, अपनी नॉर्मल भाषा में, तो ये है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री क्या करते हैं हम लोग वैसे आमतौर पे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अब आपने क्या किया, डेटर की जगह यहां पर आपने ले लिया ट्रांसफरी कंपनी को, और सेल्स की जगह आपके पास कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपने यहां पर ले लिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई? ट्रांसफर ही कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम दोनों लेजर अकाउंट्स में आते हैं, ट्रांसफर ही कंपनी के लेजर अकाउंट के डेबिट में। ये देखिए, आपने लेजर अकाउंट बनाया वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,20,000, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय
वाई लिमिटेड अकाउंट 17,20,000, बाय वाई लिमिटेड अकाउंट 17,20,000, चेक ऑल ऑफ यू। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब क्या हुआ, एक एक एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली बेचने की जगह मैंने अपने बिजनेस को एज अ होल वाई लिमिटेड को बेच दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये मेरी इनकम है, और डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड रिसीवर है तो वाई लिमिटेड को कर दिया डेबिट, है ना, बहुत बढ़िया। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव करेंगे। अब परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या मिल रहा है आपको, ये कैसे पता चलेगा? सर ये देखो, ये रही हमारी वर्किंग नोट, यहां से पता चलेगा कि हमें परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या मिल रहा है। मतलब सर ये जो 17,20,000 रुपए हमको मिल रहा है ना, इसमें सर अगर आप देखेंगे तो हमको कैश कितना मिल रहा है, यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 1,60,000, हमको 2 लाख रुपीज तो कैश में मिल रहा है। फिर हमको 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं 4 लाख के, और हमें इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं 11,20,000 के। तो बस लिख लीजिए इसको, कर दीजिए डेबिट। चलिए सर बहुत बढ़िया, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट 2 लाख रुपीज, बहुत बढ़िया। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, कौन सी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स मिले हैं बेटा जी, वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, चेक करिए कितने के प्रेफरेंस शेयर्स मिले हैं, 4 लाख के, और इक्विटी शेयर्स 11,20,000 के। टू क्रेडिट द गिवर, ये सब देने वाला कौन है, ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं है बेटा, वाई लिमिटेड है 17,20,000 बींग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड, चेक ऑल बींग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो एक पैकेज बनाकर हमको दिया है कि 17,20,000 में हमने आपका बिजनेस खरीदा है सिवाय कैश बैलेंस के और सिवाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के, और उसके बदले हमने आपको क्या क्या पे किया है, तो हम लोगों को कैश मिला है, हम लोगों को उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स मिले, हम लोगों को उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिले, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसकी पोस्टिंग करते हैं। अब अगर आप इसकी पोस्टिंग वाई लिमिटेड अकाउंट में करेंगे तो आप देखेंगे क्रेडिट में 2 लाख, फिर 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, 11,20,000 के इक्विटी शेयर्स, तो ये लेजर अकाउंट ना आपका क्लोज हो जाता है दोस्तों 17,20,000 पे। चेक करिएगा सभी जने, 17,20,000 पे ये लेजर अकाउंट तो क्लोज हो गया। और इसके बदले देखो, अब मेरे कैश बैलेंस में ऑलरेडी जहां पे 70,000 का ओपनिंग बैलेंस था वहां पे 2 लाख रुपीज मुझे और मिल गए। आई ऑल्सो गॉट 9% प्रेफरेंशियल ऑफ वाई लिमिटेड ऑफ रुपीज 4 लाख, एंड आई गॉट देयर इक्विटी शेयर्स वर्थ 11,20,000 रुपीज, चेक ऑल ऑफ यू। स्टेप नंबर 5, purchase consideration becomes due, and step number 6, purchase consideration is received. Check kijiyega sabhi jane, is this clear or not? Check kijiyega sabhi jane, is this clear or not? Check all of you. परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। अब समझना, कंपनी किसकी है, मेरी है, तो मेरी कंपनी के प्रति जिम्मेदारी पता है क्या बनती है, ध्यान से सुनना, अगर ट्रांसफरी कंपनी मेरी कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज नहीं लेकर गया है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब क्या, इन दिस क्वेश्चन द ट्रांसफरी कंपनी इज नॉट टेकिंग ओवर योर कैश बैलेंस, तो मेरी कैश को मुझे ही सल्टाना है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड He is also not taking over your interest on debentures. तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वो जो outstanding interest है ना debentures पे, कहां पर गया, कहां पर गया, ये रहा 12,000, इसका payment मुझे करना पड़ेगा, मतलब transferor को करना पड़ेगा,
और ट्रांसफरर कंपनी जब इसका पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, लिखिएगा एट नंबर जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 12,000 बींग लाइबिलिटी पेड। बट सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। सर यहां पर हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम से आपको लेजर अकाउंट बचा ही नहीं। आपको अगर याद हो तो सेकंड नंबर जर्नल एंट्री देखिएगा, हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर दिया और उसके बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी आपकी कोई भी एसेट्स नहीं लेकर गई है तो आपको उसे बेचना है, मतलब आप उससे पैसा रियलाइज करेंगे, और अगर वो आपकी कोई लायबिलिटी भी नहीं लेकर गया है तो आपको वो लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 रुपए। चेक कीजिएगा सर, चले चेक कीजिएगा, करेक्ट, डन, पक्का। चलो अब सारे स्टेप्स एक बार वापस रिवाइज करते हैं पूरा शुरुआत से, है ना। स्टेप नंबर वन क्या था? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, हमने कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, ट्रांसफर कर दिया है, परफेक्ट सर। ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफर कर दिया है, यस सर। ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये भी ट्रांसफर हो गया है, यस सर। परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गया है, यस सर। परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव, परचेज कंसिडरेशन मिल गया है, यस। रियलाइज दोज एसेट्स व्हिच वर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, ऐसे यहां पर हमारे क्वेश्चन में एक ही एसेट्स है कैश, और उसको रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड होती है। हाँ, अगर कैश की जगह कोई और एसेट ऐसी होती थी जो वो छोड़ के जाते थे तो हम उसको रियलाइज करते थे। पे दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटीज है जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेकर गया तो उसको हमें पे करना है, जैसे कि अभी हमने यहां पर पे किया है। अब समझना, स्टेप नंबर 9 इज पेमेंट एंड रीइंबर्समेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, पॉइंट नंबर यहां पर आएगा 4, फोकस कीजिएगा सभी जने, पॉइंट नंबर 4। सबको दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, पक्का? एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 12,500। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, ये तीनों वर्ड एक ही है। पार्टनरशिप के लिए वर्ड यूज होता है डिसोल्यूशन, कंपनीज के लिए वर्ड होता है लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। तो आप मतलब ट्रांसफरर कंपनी अब अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, कंपनी को बंद करने का कुछ खर्चा आता है, उसको कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। वो खर्चा एक्चुअल एक्सपेंस लगा है 12,500, लेकिन जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है वाई लिमिटेड, वो आपको 12,500 में से कुछ अमाउंट जो है वो रीइंबर्स कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीइंबर्स? जहां पहले आप पे करते हैं और फिर बाद में उसकी भरपाई की जाती है, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है भरपाई करना, लेकिन उसने भरपाई पूरी 12,500 नहीं की है, दे हैव रीइंबर्स्ड यू टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000, मतलब आपकी जेब से नेट खर्चा कितना लगा होगा ₹2,500। ये क्लियर हो गया। अब मैं अकाउंटिंग पे आता हूं। इसकी दो पॉसिबल अकाउंटिंग एंट्रीज हो सकती है, एक जिसको कहते हैं ग्रॉस अप्रोच और दूसरा जिसको कहते हैं नेट अप्रोच। पहले मैं नेट अप्रोच बताता हूं, बहुत सिंपल है। नेट अप्रोच बहुत सिंपल ये है कि भाई साहब 12,500 का खर्चा लगा था, 10,000 वापस आ गया, मेरी जेब से, ट्रांसफरर की जेब से लगा ₹2,500, मैं 2,500 की एंट्री पास कर दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, और क्योंकि मैंने पेमेंट किया है 2,500। ये तो हो गया नेट अप्रोच, सिंपल सी एक एंट्री। ग्रॉस अप्रोच में ना हम दो एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री हम लोग करेंगे दोस्तों 12,500 की, We will first pay expense of 12,500. उसके बाद हम second entry pass करेंगे when we receive money of 10,000 from
अनदर कंपनी द वाई लिमिटेड, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब नेट इफेक्ट जो देखेंगे आप दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप यहां देखेंगे, देखिए मैंने एंट्रीज क्या लिखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज द जनरल एंट्री यू पास व्हेन यू एक्चुअली पे एक्सपेंसेस, एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन यू रिसीव द रीइंबर्समेंट। तो हमारे केस में ये वाली एंट्री होगी कितने की, 12,500 की, और ये वाली एंट्री होगी कितने की, 10,000 की। तो अगर आप दोनों का नेट इंपैक्ट भी देखेंगे ना दोस्तों, तो वो 2,500 रुपए आता है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा 2,500 रुपए की एंट्री पास करते हैं नेट इंपैक्ट के हिसाब से। राइट डाउन एंट्री नंबर 9, आंखें बंद कर लो बेटा, आप सहन नहीं कर पाओगे। Have you understood all of you? आप ग्रॉस अप्रोच से अगर करते थे तो दो जनरल एंट्रीज होती थी, पहली एंट्री होती थी रियलाइजेशन, लिख लेता हूं यहां पे इन केस यू वांट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,500 टू बैंक अकाउंट 12,500, और दूसरी एंट्री होती थी रीइंबर्समेंट की बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। बजने दो, क्लियर हुआ आपको? चेक करिए सभी जने, नेट इंपैक्ट नेट एंट्री करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा चलो मैं यहाँ पे अभी एक सवाल पूछूं आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछता हूँ, फोकस कीजिएगा, सपोज कीजिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सपोज कीजिए क्वेश्चन कहता है दैट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 12,500 एंड दे आर कंप्लीटली रीइंबर्स्ड, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने पूरा 12,500 मुझे रीइंबर्स कर दिया, तो हम क्या करें? गिव मी आंसर। Realization expenses are 12,500, which are completely reimbursed by the transferee company. तो हम क्या करेंगे उस situation में? What are we going to do in that situation? Tell me. बिल्कुल सही जवाब है, absolutely no entry sir. उस केस में तो कोई entry pass करने की जरूरत ही नहीं है, no entry required, है ना? बहुत बढ़िया, चलो इसकी posting करते हैं realization account के debit में 2,500 और कैश और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,500। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर? कुछ चीजों में समय लगता है, लगने दीजिए, बट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हमारे स्टेप्स पे आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 9 था पेमेंट एंड रीइंबर्समेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब स्टेप नंबर 10 क्या है पढ़िए, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब हमारी सारी लायबिलिटीज का सेटलमेंट हो गया है, सारी एसेट्स रियलाइज हो गई है, सब कुछ हो गया, फलाना डिमकाना सब कुछ हो गया है। अब मुझे करना है सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना था और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं। अब ये रेड कलर से जो लिखा मैंने पढ़ना, ये पूरे स्टेप्स आज आपको लिखना है। व्हाइल डूइंग सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर there may be some gain or loss which should be debited or credited to realization account. What does this means? I'll explain you. Come to your working note of purchase consideration. Working note में आएंगे purchase consideration के, और check करिए कि आप preference shareholders को कितना pay कर रहे हैं। How much amount are you paying to preference shareholders? Z Limited के preference shareholder को कितना pay कर रहे हैं? 4,40,000 रुपए। जबकि उनको देना कितना था, ये कहां से पता चलेगा सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट से। चेक करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जेड लिमिटेड को अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना था? 4,00,000 रुपए। सर 4,00,000 रुपए देना था, 4,00,000 रुपीज देना था, उसकी जगह 4,40,000 रुपीज दे रहे हैं। बेटा जी 40,000 रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है, रियलाइजेशन में जाएगा। 10th नंबर एंट्री पास करेंगे आप,
प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीस। समझ में आया? प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000। अब हम इनको दे क्या क्या रहे हैं, व्हाट आर वी गिविंग देम? प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को हम क्या क्या दे रहे हैं? सर वर्किंग नोट में देखो, हम उनको सर कैश कंसिडरेशन दे रहे हैं 40,000 और 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई दे रहे हैं 4 लाख रुपीज के। तो कैश और बैंक 40,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड 4 लाख बींग प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटलमेंट डन, बींग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटलमेंट डन। चेक ऑल ऑफ यू, समझ में आया आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग है। 40,000 रुपए हम उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये 40,000 रुपए हमारे लिए ट्रांसफरर के लिए खर्चा है, और खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट है हमारे पास? रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 40,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में 40,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहते थे तो इसकी स्प्लिट एंट्री भी कर सकते थे। इसकी स्प्लिट एंट्री क्या होती थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 40,000 उनको कैश और बैंक, तो ये कैश और बैंक के क्रेडिट में आ गया 40,000। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई, ये देखो हमारे पास ट्रांसफरी कंपनी ने 4 लाख रुपए के शेयर्स दिए थे अपने, वो हम हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट हो चुका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बहुत बढ़िया सेटलमेंट हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो गया है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सेटलमेंट क्यों किया सर? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स दे गेट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके सर, अब समझ में आया सर। ये था हमारा स्टेप नंबर 10। अब स्टेप नंबर 11, कैलकुलेट कीजिएगा रियलाइजेशन का गेन या लॉस। तो सर रियलाइजेशन का गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं सर। ठीक है, डेबिट में टोटल है 1620 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 40,000, 1674,500। और क्रेडिट की टोटल मुझे ज्यादा दिख रही है, तो 17,20,000 प्लस 3,32,000 प्लस 5,000, 20,57,000 टोटल है क्रेडिट साइड की। उसमें से माइनस करते हैं डेबिट 16,20,000, 12,000, 2,500 और 40,000, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 3,82,500 का। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जनरल एंट्री पास करेंगे यहां पर नंबर 11, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग प्रॉफिट अकाउंटेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, क्लियर? अब आखिरी चीज स्टेप नंबर 12 जो है वो है सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएंगे और चेक करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना बाकी है, ड्यू कितना है। तो क्रेडिट की टोटल लेते हैं और ये टोटल आ रही है 13,35,500। हमको इतना पैसा देना है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 13,35,500। अब वो है क्या हमारे पास? चेक करो, सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी शेयर्स जो कि वाई से हमको मिले हैं,
ये इक्विटी शेयर्स हम इनको ट्रांसफर कर देंगे 11,20,000 रुपए के। और अब अगर सब कुछ सही है तो हमारे पास बैंक में उतना बैलेंस होना चाहिए जितना हमको इन्हें देना है। तो बैंक में पोजीशन देखिए 2,70,000 यहाँ पर डेबिट दिख रहा है, उसको मैं लिखता हूँ क्रेडिट में 2,70,000। और बैंक में पोजीशन क्या है 215,500, 215,500। और अब देखो तो क्या शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो रहा है क्या? ओह यस सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं, गॉड ओनली नोस। हेलो, मैं सर पौने, मैं एक मीटिंग के बीच में, मैं 9:45 और के आसपास आ I'm so sorry. हाँ जी, हुआ लेजर अकाउंट क्लोज। यस, तो देखो जो शेयर्स हमको वाई लिमिटेड से मिले थे दोस्तों, वो शेयर्स हमने हमारे शेयर होल्डर को दे दिए, उनको ही देना था। तो लेजर अकाउंट पूरी तरह क्लोज हो चुका है। तो अब आखिरी जर्नल एंट्री, 12th नंबर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट 11,20,000 एंड टू कैश और बैंक अकाउंट 215,500। सो वी विल गिव देम टोटल डेबिट ऑफ 13,35,500। चेक ऑल ऑफ यू, लास्ट जर्नल एंट्री। तो 12 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए, 12 स्टेप्स की 12 जर्नल एंट्रीज यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा रुक जाना और मेरा कुछ और एक्सप्लेनेशन बचा है। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? चेक कर लीजिएगा। 12 स्टेप्स बहुत सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए, 12 सिंपल स्टेप्स, और 12 सिंपल स्टेप से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 12 स्टेप्स, 12 क्वेश्चन, 12 जर्नल एंट्रीज, दैट्स ऑल। ट्रैकर्स में आपके अपडेट कर देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है ना? करेक्ट, समझ में आया? एक बार पूरे 12 स्टेप्स वापस रिवाइज करवाऊं? चलो फोकस करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, सभी जने रिवाइज करेंगे मेरे साथ। आज आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको ये स्टेप्स लिखने हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ट्रैकर में मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, है ना? बिल्कुल आयुष, इसीलिए मैंने देखो आपको लिखवाया कि अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर एंड कंपनी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? तो आज का आपका होमवर्क क्या है, ये 12 स्टेप्स आप अभी लिखेंगे, ये क्वेश्चन जहां आपका खत्म हुआ है उसके बाद, और इसी तरीके से लिखेंगे। हर एक स्टेप के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो मैंने रेड कलर से लिखा है, जर्नल एंट्री को मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 1515 आपको सॉल्व करना ही आपका होमवर्क है। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टेप नंबर 5, परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। स्टेप नंबर 6, परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। स्टेप नंबर 7, रियलाइज दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। स्टेप नंबर 8, पे दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। स्टेप नंबर 9, पेमेंट एंड रीइंबर्समेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 10, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। स्टेप नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन गेन ऑब्लिक लॉस। एंड स्टेप नंबर 12 इज सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। चेक ऑल ऑफ यू, ये स्टेप्स लिखने के बाद रिवाइज करना, याद रखना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। इट बिकम्स सुपर डुपर इजी आफ्टर डूइंग ऑल दीज रिविजन, ट्रस्ट मी गाइज। सो दोस्तों, 12th ऑफ सेप्टेंबर से सीए
इंटर और 13 सितंबर से सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स चालू होने वाली है। ये 2 दिन की ना क्लास डिस्टर्ब होगी, मतलब क्लास बंद नहीं होगी। ये 2 दिन जो आपकी क्लास होगी ये मैं मॉर्निंग में लूंगा 6:30 बजे। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा बट देखो ऑप्शन नहीं है, मैराथन्स लेने ही है। आप लोगों की भी एग्जाम होगी, आप लोगों के भी मैराथन्स लेंगे, उन लोगों की एग्जाम है उनकी भी मैराथन्स होगी। तो ये 2 दिन मैं सेशंस मिस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सेशन। तो मैं ये दोनों दिन आपके सेशन सुबह कंडक्ट करूंगा 6:30 AM पे। तो आप लोग उस हिसाब से तैयार रहिएगा। कल हम लोग रेगुलर टाइमिंग पे मिल रहे हैं सुबह 8 बजे। होमवर्क आपका मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू हैव टू राइट डाउन दीज 12 स्टेप्स। यहाँ से आपको देखना है, पॉज प्ले कर कर आपको लिखना है स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद में स्टेप नंबर 9, 10, 11 और फिर स्टेप नंबर 12 और फिर क्वेश्चन नंबर 1, 5, 15 सॉल्व करना है। दोस्तों मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप ये देखिए कि यार मैं कहीं पर भी रहूँ, ट्रैवल करूँ, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस, मीटिंग, कुछ भी क्यों ना हो, इवन तबीयत भी खराब क्यों ना हो, बट मैं क्लासेस मिस नहीं करता हूँ। ये पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंसिस्टेंसी पंक्चुअलिटी आप लोगों को भी अपने स्टडीज में मेंटेन रखना होगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड डे ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock।